दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का बटन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मोबाइल की 3 ऐसी सेटिंग के बारे में जिससे कि आप अपने मोबाइल में इंटरनेट को आसानी से सेव कर सकते हैं। यदि आपके मोबाइल में इंटरनेट जल्दी खत्म हो जाता है तो ये 3 सेटिंग आपके मोबाइल में अप्लाई करना है जिससे कि आपके मोबाइल में इंटरनेट कंज्यूमिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि किस तरह से हमारे मोबाइल में इंटरनेट कंज्यूमिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्लिक करना है सेटिंग्स पे। जैसे हम सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं यहाँ हमें स्लाइड अप करना है। यहाँ हमें देखने मिलेगा ऐप्स या फिर मैनेज ऐप्स आपके मोबाइल में आपको देखने मिलेगा, उस पर हमें क्लिक करना है। फिर हमें सी ऑल ऐप्स पे क्लिक करना है। जितने भी आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड ऐप्स है उसे हमें क्लिक करना है यानी कि ओपन करना है। जैसा कि मैंने क्रोम ब्राउजर को क्लिक कर लिया। इसके बाद हमें देखने मिलेगा मोबाइल डेटा एंड वाईफाई, इस पर हमें क्लिक करना है। फिर हमें देखने मिलेगा मोबाइल डेटा एंड वाईफाई, इस पर हमें क्लिक करना है। बैकग्राउंड डेटा देखने मिलेगा जो कि ऑन रहेगा तो हमें इसे ऑफ कर देना है क्योंकि इस सेटिंग से ही हमारे मोबाइल में बैकग्राउंड में इंटरनेट कंज्यूम होता रहता है। सिर्फ इसी ऐप को नहीं, जितने भी हमारे मोबाइल में इंस्टॉल्ड ऐप्स और गेम्स है उसका भी हमें बैकग्राउंड डेटा ऑफ कर देना है। ये हो गई हमारी फर्स्ट नंबर की सेटिंग। अब बात करते हैं सेकंड नंबर की सेटिंग के बारे में। फिर से हमें सेटिंग्स में ही आना है। बाद में हमें सर्च करना है रिसेट। जैसे हम सर्च करते हैं रिसेट तो यहाँ हमें देखने मिलेगा बहुत सारे रिसेट के सेटिंग्स। यहाँ हमें देखने मिलेगा रिसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ, इसमें हमें क्लिक करना है। फिर से हमें इस पर क्लिक करना है। बाद में सिम को सिलेक्ट करना है। यदि आपके मोबाइल में सिम 1 और सिम 2 है तो हमें जो भी सिम में यदि आप रिसेट करना चाहते हैं आपके मोबाइल डेटा को वो सिम को सिलेक्ट करना है, चूज़ करना है। बाद में हमें रिसेट सेटिंग्स पर क्लिक करना है। पैटर्न या फिर पासवर्ड या फिंगरप्रिंट को कन्फर्म करना है। फिर बाद में रिसेट सेटिंग्स पर फिर से क्लिक करना है जिससे कि हमारे मोबाइल में इंटरनेट जो सेटिंग्स है वो रिसेट हो जाएगी। बात करते हैं थर्ड नंबर के सेटिंग के बारे में जिसके लिए हमें फिर से सेटिंग्स में आना है। इसके बाद नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक करना है। डेटा सेवर पर क्लिक करना है। यह ऑफ रहेगा तो इसे ऑन कर देना है। जैसे कि आप इसके नाम से जान सकते हैं कि ये डेटा सेवर डेटा को सेव करता है, इंटरनेट को सेव करता है। इसके बाद अंदर हमें देखने मिलेगा अनरिस्ट्रिक्टेड डेटा, इसमें हमें क्लिक करना है। जो भी आपके मोबाइल में के अंदर मेन ऐप्स है उसे छोड़कर सभी ऐप्स को ऑफ रखना है, इसकी सेटिंग्स को ऑफ रखना है। अगर हम इसके सेटिंग्स को ऑफ करते हैं यानी कि जो हमारा ऐप है वो रिस्ट्रिक्टेड है, जो सेटिंग्स ऑन है वो अनरिस्ट्रिक्टेड है, जो जो बैंकिंग ऐप्स है उसके भी हमें ऐप को अनरिस्ट्रिक्टेड कर देना है यानी कि ऑन कर देना है जिससे कि अनरिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, बाकी सभी को रिस्ट्रिक्टेड रखना है। तो ये है हमारे मोबाइल के 3 ऐसे सेटिंग जिससे कि इंटरनेट कंज्यूमिंग प्रॉब्लम आपके मोबाइल में सॉल्व हो जाएगा। आप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो।